हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का मेरा वीडियो एक ऐसे प्लांट पर है जो कि पत्तों से तो खूबसूरत लगता ही लगता है, साथ में इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं और बड़ा प्यारा लगता है ये प्लांट। इसका नाम है क्लेंचो प्लांट। क्लेंचो प्लांट की मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे ग्रो कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यह एक तरह का सकुलेंट प्लांट है। जिस तरह से सकुलेंट प्लांट की केयर करते हैं उसी तरह से इसकी भी केयर करनी है, क्योंकि ये सकुलेंट है और पत्ती से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। जितने भी सकुलेंट प्लांट हैं वे पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। इसके साथ ही आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग भी बहुत जल्दी चलती है। और इसमें देखिए ऊपर की तरफ फ्लावर्स आते हैं और ये कई कलर के होते हैं और इसका फ्लावर एक बार खिलने के बाद कई दिनों तक रहता है। इसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं जो कि खूबसूरत लगते हैं। जब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आ जाते हैं तो यह ग्रीन कलर की पत्तियां और ऊपर डिफरेंट कलर के फ्लावर बड़े प्यारे लगते हैं। यह थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है। अगर आप इसे लगाते हैं तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यह नहीं सोचना कि यह बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता है। तो बस एक बार लगाने की जरूरत है, फिर तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसे पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, इसको कटिंग लगा सकते हैं। बस आपने जो भी इसकी पुरानी लीव हो गई है उसको, या फिर थोड़ी सी जैसे अगर आधी भी कट गई है तो उसको आपने मिट्टी के ऊपर रख देना है और थोड़े दिन में ही उसमें रूट्स नीचे बन जाती हैं और ऊपर नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से आप इसको पत्ती से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर नोड एरिया होते हैं, तो आप इसे कट करके आराम से मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत जल्दी बढ़ जाए, उसमें रूट्स बन जाएंगी। और साथ ही इसको ध्यान रखना है कि आप इसमें पानी कम देना है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट है, इसके पत्तों में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, तो इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो भी सकुलेंट प्लांट होते हैं वह ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाते हैं। हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए मिट्टी में, बस इतना ही पानी दें। इसके अलावा आप इसे धूप में रखेंगे, जैसे सर्दियों में तो इसे प्रॉपर धूप में रखेंगे और एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहाँ ये बहुत अच्छे से चलेगा। और गर्मियों में आप इसे थोड़ी सेमी शेड में रख देंगे तो इसके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा मैंने बताया कि इसमें पानी कम दें और जब ये थोड़ा बढ़ जाए तो इसको आप कटिंग कर करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट एक से ज़्यादा बना सकते हैं तो उन्हें बनाना भी चाहिए, ताकि हमारा जब मदर प्लांट ख़राब हो जाता है तो हमें ये होप रहती है कि हमारे पास और भी प्लांट हैं, तो फिर हमें दोबारा उसे नर्सरी से परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसके साथ ही इसकी लीव्स को भी ग्रो करते रहें, यानी लीव्स जो भी जड़ गई है या फिर जो पुरानी लीव हो गई है उसे नीचे से हटाकर मिट्टी में रख दें, तो आप एक बार में कई प्लांट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्लेंचो की केयर कर सकते हैं, उसे ग्रो कर सकते हैं। और आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं प्लांट से रिलेटेड वीडियोज ऐसे डालती रहती हूँ। और मैंने देखा है कि कई लोग वीडियोज देख तो लेते हैं लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।